साढ़े सात पे। चलो जब तक हम थोड़ी दूसरी बातें कर लेते हैं क्लास के अलावा। अच्छा ये बताओ कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, जो यानी जॉब करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं उनके पास। अच्छा 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा 6 लोग ऐसे हैं जो आप में से जॉब कर रहे हैं, जिनके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा बाकी लोग जो बचे हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ वो स्टूडेंट है, अभी वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे। अच्छा जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिनकी जॉब लगी हुई है उनको तो मेरा मशवरा ये है कि वो ये कोर्स करते रहें साथ से और शाम के टाइम इसकी लर्निंग करते रहें। अभी ये आपको जरूरत नहीं है कि आप कहीं पे हाथ पैर मारें या किसी अपनी जॉब शिफ्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई नई स्किल आप सीख रहे हो तो उसको पहले अच्छे से सीखें, आप टाइम लगाएं तसल्ली से, जब सीख जाए तो फिर आप उस पर कुछ वो करें। अच्छा तो जॉब स्विच करने की तो बिल्कुल भी कोशिश भी मत कीजिएगा अभी, क्योंकि एक आते हुए जो पैसे होते हैं ना वो अगर बंद होते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। तो जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं वो शाम के वक्त पूरा टाइम लगाएं, पूरी प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बनाएं पोर्टफोलियो, और फ्रीलांसिंग अगर कर सकते हैं तो आप करें, ठीक है। फ्रीलांसिंग छोटी मोटी, बट उस फ्रीलांसिंग को अपने हमेशा सेकेंडरी पे रखना है। जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसको छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैं इन जनरल सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, किसी का भी अगर कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर जो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो टीचिंग नहीं है, वो मेरा फ्रीलांसिंग है। मतलब जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो उसके लिए फिर मैं हर चीज छोड़ सकता हूँ। मतलब हो सकता है किसी दिन मैं आपसे ये भी कहूँ कि आज मैं क्लास नहीं ले सकता, आज मेरी मीटिंग है, हो सकता है ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता किसी भी हाल में। अच्छा ये सारी चीजें सेकेंडरी पे चल रही है। अच्छा लेकिन अगर कॉज की बात करें तो प्राइमरी कॉज मेरा ये है टीचिंग, जो कॉज है मेरा प्राइमरी कॉज वो टीचिंग है, ठीक है। अच्छा मेरे पास रिजर्व में इतना अमाउंट होता है कि अगर एक आध क्लाइंट कोई नाराज होकर चला भी जाए तो मेरे लिए मसला नहीं है, ठीक है। रिजर्व में इतना अमाउंट रखा हुआ होता है, क्योंकि 1 साल का अमाउंट बचा के रखना ये मतलब उसमें नहीं आता, वो कहते हैं ना कि तवक्कल करना चाहिए। तो 1 साल का अमाउंट आप कर सकते हैं स्टोर, ये सारे उलमा का इस पे इत्तफाक है कि 1 साल का अमाउंट आप स्टोर कर सकते हैं। ये बात नहीं समझे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है आपका, उसको तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर हो सके तो 1 साल का अमाउंट भी आप स्टोर करके रखें, सेविंग जो है 1 साल की सेविंग, कि अगर 1 साल तक आपको कोई भी इनकम सारी बंद हो जाए तो आप 1 साल तक सर्वाइव कर सकें, ठीक है। और ये तवक्कल के खिलाफ नहीं है, ये जो जितने भी उलमा है उनका इत्तफाक है इस पर कि ये तवक्कल के खिलाफ नहीं है। भाई होता है ना बंदा बंदा अपने पर ही तवक्कल करके बैठा हुआ है, अल्लाह पे कोई तवक्कल ही नहीं है कि अल्लाह दे रहा है, ठीक है ना। तो देता तो अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह पाक ने अकल भी दी है, तो उस अकल को इस्तेमाल करते हुए 1 साल तक का आप सेविंग कर सकते हैं। ये इस पे उलमा का इत्तफाक है कि इससे तवक्कल पे कोई हर्ज नहीं होगा, तवक्कल पे आप कायम रहेंगे 1 साल का अगर आपने स्टोर किया हुआ। तो मैंने वो भी किया हुआ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है इतनी। तो अब जो मैं 50-50 किया था मैंने अपने टाइम को, 1 50% टाइम मैं अपने कॉज को दे रहा हूँ, 50% टाइम मैं अपने इनकम को दे रहा हूँ जहां से मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, और बाकी टाइम पे घर वालों पे और इधर उधर। तो ये तो खैर एक अलग से बात थी। तो मेरा पॉइंट इसमें ये था कि जो भी पैसे लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी उनको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा सेकेंडरी इनकम सोर्स आप बनाए, बिल्कुल बिल्कुल बनाए, कोई मसला नहीं है। मेरे फ्रीलांसिंग के अलावा बहुत सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास पैसे आ रहे हो, ठीक है। जैसे टीचिंग है, मेरे पास कुछ दूसरी चीजें हैं जो रेंट वेंट पे लगी हुई हैं, कुछ बिजनेस में पार्टनरशिप्स हैं वहां से पैसे आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से हो रहा होता है। तो आप कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ना बना सकते हैं इसको, आप शाम के टाइम पहले तो आप पहले सीखें, टाइम लगाएं अच्छी तरह सीख जाएं, जब आप आपको लगे यार मैं छोटी मोटी फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ बिल्कुल करें, आप पाकिस्तानी क्लाइंट हो बाहर का क्लाइंट हो कोई मसला नहीं है। अच्छा लेकिन आप जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए ना, आप प्राइमरी वाले को बिल्कुल छोड़े मत, उसको आप लगा के रखें। अच्छा ये तो हो गई उनकी बात जिनकी जॉब लगी हुई है। जो स्टूडेंट्स हैं भाईजान, यूनिवर्सिटी ने आज तक ना किसी को दिया है ना किसी को कुछ दिया, सही है। यूनिवर्सिटी के आश्रय में मत रहना ये एक। अच्छा मैं मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस था यूनिवर्सिटी के ऊपर,
अल्लाह भला करे, एक लड़का था वो नाम में उसका भूल गया क्या पता नहीं करके, कुछ कुछ मेमन करके नाम था उसका, मेमन नहीं था वो लेकिन नाम में उसके पता नहीं मेमन लगा हुआ था। तो वो मैं शुरू शुरू जब लगा ना वेब एप्लीकेशन वगैरह ये चीजें सीखनी शुरू की मैंने, तो मेरा पहला पहला सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी में, उसको पहला सेमेस्टर मेरा फॉरन ही एडमिशन हुआ था और तकरीबन 6 महीने में लगा चुका था वेब एप्लीकेशन पे और इन चीजों पर। ये मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ, 2011 में मैट्रिक हुआ है मेरा, 2012-13 में फिर इंटर हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर आया। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि यार मैं इसकी जॉब करूंगा जो मैंने सीखा है। अच्छा मैं कहीं भी जाऊँगा मुझसे कहेंगे यार ये करके दिखाओ, मुझसे कोई ना, जाहिर है भाई नया नया सीखा था बंदे ने, बुक पढ़ी है सिर्फ, अभी तो काम तो किया ही नहीं है कुछ, मुझसे हो ही ना। तो 2-3 जगह इंटरव्यू फेल हो गया मैं। एक जगह गया, उसने पूछा क्या आता है, मैंने कहा HTML CSS आती है बस, कह रहा जावास्क्रिप्ट, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट चल रही है सीख रहा हूँ। उसने मुझे एक पेज दे दिया, बैनर एक पंफलेट था उसका भी, उसने कहा इसको HTML में कन्वर्ट कर दो। अब मैं बैठा रहा 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में मेरे से हुआ ही नहीं। उसके बाद वो आया, उसने देखा हाँ भाई क्या बनाया, मैंने कहा यार ये बनाया, कह रहा बेटा अभी जाओ थोड़ी प्रैक्टिस करो फिर आना, सही है। अच्छा तो फिर मैंने सोचा यार ये चक्कर क्या है, जॉब लगने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं था कुछ, नमाज का टाइम पर 2 मिनट में छोड़ता हूँ। तो एक लड़का मैंने देखा वो जो है ना वो भी जॉब करता है, मुझे नजर आ गया, मुझे पता चला यार किसी ने बताया यार ये जॉब करता है, PHP जॉब करता है। मैंने कहा अच्छा जॉब करते हो, तो मैंने उससे पूछा यार क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। उसने बोला भाई एक चीज याद रखो, यूनिवर्सिटी को पहले कर दो माइनस, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का ना आपसे कोई पूछेगा, ना यूनिवर्सिटी का बताने से कोई फर्क पड़ेगा, ना यूनिवर्सिटी आपको कुछ सिखाएगी, ये बिल्कुल माइनस कर दो इसको, आपको अपने बलबूते पे करना है। और अभी से जॉब के लिए हाथ पैर मारोगे ना तो आज से 4 साल बाद जाके जॉब मिलेगी, ये 2 बातें उसने मुझे बताई। हालांकि वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं था ऐसी, मतलब रास्ते चलते किसी ने मुझसे बताया कि यार ये लड़का ये कर रहा है इससे पूछो ये बताएगा, तो उसने मुझे ये बात बताई, तो मेरे ना वो बात समझ में आ गई। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था मुझे वो जो उसने बैनर बनाने के लिए गया था वो मुझे सिखाया थोड़ी था यूनिवर्सिटी में किसी ने, पहला सेमेस्टर था अलग ही, लेकिन मुझे पता था कि इससे पहले कॉलेज में भी किसी ने ये बात नहीं सिखाई जो ये कर रहा है, जो कह मैं करने के लिए कह रहा है। तो मैं उस टाइम से जो है ना फिर कंटिन्यूसली इंटरव्यूज दिए, मैंने देखा कि लोग क्या बोल के आ रहे हैं और उन चीजों पर मेहनत की, और उन चीजों पर मेहनत करके जॉब पकड़ ली, छोटी मोटी इंटर्नशिप जॉब वगैरह जो भी पकड़ ली, यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चलती रही, यूनिवर्सिटी तो हर बाद में मैंने ड्रॉप कर दी, दिल भर गया मेरा, मैंने कहा यार बेवकूफ़ी की बात है, तो मैंने बाद में ड्रॉप कर दी, लेकिन ये अकल मुझे शुरू में आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। सेमेस्टर को पूरे कर लिए थे बट फिर मैं दोबारा गया नहीं, 7 सेमेस्टर मैंने कर लिए थे, 8वें सेमेस्टर में मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैंने कहा छोड़ो यार, और पहले के भी पेपर वेपर कुछ रुके हुए थे, जाहिर है मैं जॉब के साथ साथ पढ़ रहा था तो मैं चला जाता, तो मैंने कहा 6 पेपर है चलो 2-3 भी क्लियर हो गए तो सही है, तो वो बहुत सारे पेपर में रुके ना मैं देख गया ही नहीं दोबारा, पलट के भी नहीं देखा। तो ऑफिशियली मैं इंटर हूँ जो आपके सामने आ रहा उर्दू यूनिवर्सिटी फेडरल उर्दू। अच्छा तो आप लोगों को मेरा मशवरा क्या है, जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी जॉब नहीं कर रहे कुछ भी नहीं कर रहे, नंबर एक आपके पास जितने भी पैसे हैं ना उससे आप एक अच्छा कंप्यूटर खरीदिए जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, सही है, अच्छा कंप्यूटर आपने खरीदना है कभी, और लैपटॉप हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा क्योंकि ये आपका है औजार, औजार आपका घिसा पिटा नहीं होना चाहिए, सही है, अच्छी रिसर्च करो, पूछो लोगों से कि यार अच्छा कंप्यूटर कौन सा है तुम्हारी रेंज में और वो खरीद लो पहली फुर्सत में। अच्छा किसी से कर्ज ले सकते हो तो कर्ज लेके भी कर लो, अगर अम्मी अब्बू से जिद करके ले सकते हो तो वो भी कर लो, कुछ ना कुछ करके एक अच्छा कंप्यूटर खरीद लो, नंबर एक बात तो ये, जिसपे आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन घर पे होना चाहिए, ठीक है, ये घर पे हो या डिवाइस हो कोई कुछ भी हो, अच्छा कंप्यूटर इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन जो तंग ना करता हो, ये काम हो गया। नंबर दो काम ये करो कि लिंक्डइन पे जाके सर्च करो कि चैट बॉट का डेवलपर किसको चाहिए, कहाँ पे रिक्वायर्ड है, फ्रीलांसिंग में डायरेक्ट नहीं जाओ, फ्रीलांसिंग में डायरेक्ट जाओगे समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। हाँ बता रहा हूँ अभी, अब लिंक्डइन पे जाओ देखो कि किन लोगों को चैटबॉट डेवलपर चाहिए पाकिस्तान के अंदर, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे जॉब्स आती हैं, तो देखो किन लोगों को चैटबॉट चाहिए, उन लोगों के पास जाओ, उन कंपनीज में जाके इंटरव्यू दो,
वहां से तुम्हें पता चलेगा कि उनको क्या चाहिए। मैं तो डायलॉग फ्लो और एलेक्सा स्किल किट सिखा के मैं कहूंगा ठीक है भाई कोर्स कंप्लीट हो गया छुट्टी आपकी, ठीक है। लेकिन चैटबॉट ये तो सिर्फ ऊपर का स्क्रैच है और ये मोस्ट पॉपुलर है जो इसलिए मैंने इसको चूज किया है, मोस्ट पॉपुलर है। लेकिन इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं कह रहा हूँ कि मैं तो डायलॉग फ्लो और एलेक्सा स्किल किट पढ़ा दूंगा और मैं कहूंगा कोर्स खत्म आपकी छुट्टी हो गई, लेकिन ये सिर्फ स्क्रैच है, ये सरफेस है ऊपर का, ये एंट्री पॉइंट है आपका, ये आपका ना एंट्री टिकट है, ये मिलेगा तो आप चैटबॉट की फील्ड में घुस गए, आप दाखिल हो गए। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मुख्तलिफ कंपनी में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। हो सकता है जैसे एक लड़का एलन पे कुछ बना रहा था, ये अभी नया प्लेटफॉर्म आया चैटबॉट का एलन के नाम से, ठीक है, बहुत ही बेसिक है वो, इतना एडवांस नहीं है, डायलॉग फ्लो से तो बहुत ही बेसिक है, डायलॉग फ्लो काफी एडवांस है उसके मुकाबले में, लेकिन हो सकता है कोई कर रहा है उस पर काम। तो जहां पे भी आपको इंटर्नशिप मिले, ठीक है, पैसों वाली या फ्री वाली भी, अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं, आप फॉरन पकड़ लो। अच्छा, अगर आपको कोई नहीं भी दे रहा है जॉब तो इंटरव्यूज देना बंद मत करें आप। आपका महीने में 1-3 इंटरव्यू होना ही चाहिए कम से कम। अगर हर हफ्ते एक इंटरव्यू दे रहे हैं आप कहीं जाके तो बहुत ही जबरदस्त, अच्छा है, बेहतरीन। कोशिश करें हर हफ्ते ना कहीं जाके इंटरव्यू दें। अच्छा क्यों? इंटरव्यू से आप, यानी इंटरव्यू इटसेल्फ एक चीज है, एक तो क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, इससे सीखोगे अलग है, वो इंटरव्यू में जो सीखोगे ना वो अलग है। फिर अगर जॉब पकड़ लेते हो, वहां काम करोगे उससे सीखोगे वो अलग है। तो इंटरव्यू बाकायदा एक फेज है जिसमें तुम्हें जाना है, ठीक है। तो ये काम करो प्लीज, बाकी सारे जितने